हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू यूट्यूब स्टडी। माई सेल्फ दिनेश यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपी बोर्ड रिजल्ट 2020 का तो घोषित हो चुका है, लेकिन बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर हम एक विषय में फेल हो चुके हैं, कोई बोल रहा है कि सर हम दो विषय में फेल हो चुके हैं और कोई बोल रहा है कि सर हम तीन विषय तक फेल हो चुके हैं। तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी यूपी बोर्ड ने जारी किया है आज ही की। आप देख सकते हैं हेडलाइन में कि यूपी बोर्ड 10-12th रिजल्ट 2020। आप देख रहे हैं कि फेल स्टूडेंट के लिए खुशखबरी। क्या खुशखबरी है कि अब आराम से होंगे एग्जाम में पास। कैसे होंगे पास? और ये न्यूज़ जो देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अपडेटेड न्यूज़ 27 जून 2020 को 4:45 PM में, यानी कि शाम को ये न्यूज़ अपडेट किया गया है। जो बच्चे फेल हो चुके हैं उनके लिए पास होने का एक सुनहरा मौका दे रहा है यूपी बोर्ड। तो एकदम घबराइए मत, आपके लिए एक अच्छा खबर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि फेल छात्रों के लिए राहत की खबर होने वाली है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो बच्चे फेल हो चुके हैं उनके पास इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छा गुड न्यूज़ मिल सके। तो मैं बात करने वाला हूँ, फिलहाल आप देख सकते हैं कि हाईलाइट में इसको रखा गया है कि वहीं 12वीं में अनुराग मलिक ने 97% अंकों के साथ टॉप किया है। ठीक है, इसी बीच अगर आप परीक्षा पास नहीं कर पाए तो दुखी होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आपको पास करने के एक बार मौका दिया जा रहा है कि इस बात से वह परेशान भी ना हो कि उनका साल बर्बाद होगा। यानी कि आपको पिछले क्लास में जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको पास करने का एक यूपी बोर्ड मौका दे रहा है। चलिए देखते हैं क्या मौका दे रहा है, पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। ठीक है ना, देख लीजिए, नई दिल्ली से अपडेट किया गया है कि यूपी बोर्ड 12th रिजल्ट 2020, यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट आज जारी हो गया है। समझ में आ रहा है कि यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट मतलब 74.63% रहा है, जिसमें से 81.96% लड़कियाँ और 68.88% लड़के पास हुए हैं। वहीं 12वीं में अनुराग मलिक ने 97% अंकों के साथ टॉप किया। ये तो आप जानते होंगे। आगे बात कर रहे हैं कि इसी बीच अगर आप परीक्षा पास नहीं कर पाए तो दुखी होने की बात नहीं है, यूपी बोर्ड 10th 2020 बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इस बात से वह परेशान भी ना हो कि उसका साल बर्बाद होगा, हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ उन्हें कुछ ऐसे रास्ते बता रहे हैं जिससे वह परीक्षा में दोबारा सफलता हासिल कर सकते हैं और उनका वर्ष भी बर्बाद नहीं होगा। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा जो इस प्रकार से हैं। चलिए, पहला जो आपको बताने जा रहे हैं बातें, यूपी बोर्ड की परीक्षा में जो स्टूडेंट सफल नहीं हो पाए यानी कि फेल हो गए हैं, वे कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये क्या होता है कंपार्टमेंट परीक्षा और इस कंपार्टमेंट परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंत में मालूम चलेगा। ठीक है, कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपलब्ध हैं। समझ रहे हैं, ऑनलाइन यानी कि आप डायरेक्ट कंप्यूटर से भी भर सकते हैं और ऑफलाइन भी भर सकते हैं। दोनों बताएंगे कैसे भरना है। आप अगर ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो अपने स्कूल में जाकर इसका फॉर्म भर सकते हैं, यह सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है, ऑफलाइन। अब देखिए, कंपार्टमेंट परीक्षा देकर आप बिना साल बर्बाद किए ही अगली कक्षा में जा सकते हैं यानी कि प्रवेश ले सकते हैं। अब देखिए, सप्लीमेंट्री एग्जाम के नियम ठीक उसी तरह से हैं जैसा कि आप बोर्ड एग्जाम में होता है। अब ये सप्लीमेंट्री एग्जाम क्या है आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जानिए क्या है कंपार्टमेंट परीक्षा, पहले कंपार्टमेंट परीक्षा जानेंगे। ठीक है, कंपार्टमेंट परीक्षा को अब इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी कहा जाने लगा है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट मतलब कि उसको सुधारना है, इम्प्रूव करना है। आगे देखिए, ऐसे छात्र जो 10वीं या 12वीं में एक या दो तीन विषयों में फेल हो जाते हैं, समझ में आ रहा है ना, एक विषय हो, दो विषय हो या अधिक से अधिक तीन विषय हो, उसमें फेल हैं तो आपको मौका मिलेगा, उनका साल बचाने के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। अब देखिए, जिसे कंपार्टमेंट परीक्षा कहा जाता है, वर्तमान में ऐसे सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड तथा कई अन्य बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है। कुछ छात्रों के लिए एक या दो विषयों में नंबर कम आने से या दो चार नंबरों के कारण उनका फर्स्ट या सेकेंड डिविजन रुक जाता है। तो आगे बात करते हैं, ऐसे छात्र परीक्षा के माध्यम से अपने रिजल्ट में बढ़ोतरी कर सकते हैं, इस कारण इस परीक्षा को इम्प्रूवमेंट कहा जाता है यानी कि एग्जाम कहा जाता है। अब देखिए, स्क्रूटनी या रीचेकिंग क्या होता है, स्क्रूटनी फॉर्म उसी को बोलते हैं यानी कि रीचेकिंग। अब देखिए, दोबारा विकल्प आपके पास है कि स्क्रूटनी का अर्थ होता है कि संवीक्षा, यानी कि स्क्रूटनी में परीक्षा की कापियों में न जाँचने वाले प्रश्नों को जाँचा जाता है, समझ में आ रहा है, और कुल अंकों की गणना की जाती है यानी टोटल आपके कितने एवरेज बने हैं, टोटल काउंटिंग किया जाता है। यदि गणना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो वह
सही की जाती, यानी कि उसको संशोधन किया जाता है। सभी विषयों में फेल स्टूडेंट भी स्क्रूटनी या रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपको पूरा विश्वास है कि मेरा नंबर कम आया है और मैं अच्छा नंबर का हल करके आया हूँ, तो रीचेकिंग करा सकते हैं कापी, ठीक है। लेकिन इसमें कापी की रीचेकिंग नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ पाए मार्क्स में फिर से जोड़ दिए जाते हैं, यानी कि जो मार्क्स मिला है उसी में आपको ऐड किए जाएंगे, आपके मार्क्स को रिकाउंटिंग किया जाएगा, यानी दोबारा चेक किया जाएगा कि आपका नंबर तो कम नहीं चढ़ा है ना। आगे देखिए, अब देखिए NIOS में ले सकते हैं दाखिला। अब आगे बात करते हैं कि फेल छात्र के पास तीसरा विकल्प है NIOS यानी कि नेशन स्कूल ऑफ ओपन स्कूल का, यहाँ दाखिला लेकर परीक्षा दे सकते हैं, यानी कि NIOS हर हफ्ते परीक्षा आयोजित करता है। इसमें दाखिला लेना जितना आसान है उतना ही इस बार बोर्ड परीक्षाओं को पास करना भी आसान है। तो आपको मैं बता दिया कि आपको फेल हो गए हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूपी बोर्ड आपको मौका दे रहा है कि आपको फॉर्म फिलअप करना है, यानी कि आपको स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप करना है, रिस्क चेकिंग कापी कराना है और आपका कंपार्टमेंट परीक्षा देकर आप आसानी से अपना जो एग्जाम फेल मतलब एग्जाम में फेल हुए पास हो सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो बच्चे फेल हो चुके हैं उनको आप मोटिवेट कीजिए, और जो भी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आएगी मैं आपको डालकर इस वीडियो चैनल पर देते रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको फिजिक्स का जल्द ही वीडियो लेकर आने वाला हूँ, क्लास 10th और 12th का रेगुलर एग्जाम का बस वेट कर रहा था। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।